राज्य सहकारी बैंक के सहयोगी बैंकों पर नोटबंदी का खासा असर पड़ा है। इन बैंकों का कारोबार महज 30% तक सिमट कर रह गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष हर्ष महाजन ने मंडी में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी है। इससे पहले हर्ष महाजन ने मंडी शहर के समखेतर वार्ड में 2 करोड़ की लागत से बनने वाले जिला प्रबंधक कार्यालय और आवासीय परिसर की आधारशिला भी रखी थी। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि काले धन के खिलाफ जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है, पूरा देश उस लड़ाई में अपना सहयोग दे रहा है, लेकिन नोटबंदी से सहकारी बैंकों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से इन बैंकों को जल्द से जल्द करेंसी मुहैया करवाने की मांग की है। हमारे नीचे कांगड़ा बैंक भी है, जुगिंद्रा बैंक भी है, वहाँ कारोबार ठप है, उनको पैसा नहीं मिल रहा। पूरे हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव बैंक्स को कहीं पैसा नहीं मिल रहा, और हिंदुस्तान में जो पिछड़ा क्षेत्र है, जो दूर दुर्गम क्षेत्र है, जो किसानों का क्षेत्र है, उसमें अगर बैंक में किसी के अकाउंट है तो कोऑपरेटिव बैंकों में ही। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 100 में से 30% बिजनेस चल रहा है, बाकी खत्म है।